दोस्त आप यहाँ पे आ सकते हो, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, मैं केएल में काफ़ी सारी हाइकिंग की जो प्लेसेस हैं वहाँ पे आपको या तो टिकट लेनी पड़। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है, एक्चुअली ये चलिए आपको दिखा ही देते हैं। तो आज मैं आया हूँ तमन तुगु करके, ये जगह का नाम है यहाँ पे केएल में ही। एक्चुअली ये एक फॉरेस्ट ट्रेल हाइकिंग प्लेस है, हाइकिंग के लिए बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया जगह है एक्चुअली, ये केएल में ही है। और अगर आप केएल के आसपास एरिया में रहते हो तो आपके लिए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मिल जाएगा, जैसे कि LRT मिल जाएगी आपको, बस मिल जाएगी। और अगर आप मलेशिया में घूमने के लिए आए हैं और आपका होटल जो है वो केएल एरिया में ही है, तो आपको फिर भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले सकते हैं इस जगह में आने के लिए। तो आज मैं यहाँ पे आया हूँ हाइकिंग के लिए, तो चलिए हाइकिंग करते हैं और आपको इस जगह का थोड़ा व्यू भी दिखाता हूँ कैसा है ये। तो ये कुछ साइन बोर्ड है यहाँ पे, तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। और या हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए चलते हैं अंदर आज हाइकिंग के लिए फॉरेस्ट ट्रेल। बढ़िया जगह है ये, और सबसे इसकी अच्छी बात है क्योंकि केएल में कई काफ़ी सारी हाइकिंग की जो प्लेसेस हैं वहाँ पे आपको एंट्री फ़ी देनी पड़ेगी या फिर कुछ टोकन वगैरह लेना पड़ता है। तो ये जो जगह है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसका जो मैं मैप्स का जो लिंक होगा वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज इसकी। काफ़ी घना जंगल है यहाँ पे, और आपको यहाँ पे साइन बोर्ड वगैरह भी काफ़ी देखने को मिल जाएंगे। अगर किसी चीज़ के बारे में आपको नॉलेज लेनी है या फिर कुछ भी, तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो हैं वो साइन बोर्ड भी लगे हुए हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे आ सकते हो, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, मैं केएल में काफ़ी सारी हाइकिंग की जो प्लेसेस हैं वहाँ पे आपको या तो टिकट लेनी पड़ती है या तो टोकन वो कुछ आपको पे करना पड़ता है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अभी इस दौरान ये ओपन है, सिर्फ यही एक हाइकिंग प्लेस है जो केएल में जो अभी ओपन है, बाकी आई थिंक मैक्सिमम जो है वो क्लोज है। ये देखिए बड़े काफी मस्त है तो बिल्कुल जंगली है यहाँ पे। आप लोग भी आइए यहाँ पे, अगर मलेशिया में आते हैं तो यहाँ पे भी घूमने के लिए ज़रूर आइए।
अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे फेसबुक पेज लाइक नहीं किया और इंस्टाग्राम पे अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दीजिए और फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिए। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हुए हैं मैंने। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वीडियोज़ आपको मस्त मिलेंगी आने वाली। और ये छोटे छोटे साइन बोर्ड भी लगा के रखे हुए हैं इन्होंने, ये जिस भी चीज़ का कोई पेड़ पौधा जो भी है ये, तो उसके बारे में बताया हुआ है ये किस चीज़ का पेड़ है। I'm sorry, Ivan asked two week go out. This is the way? Yeah. Same way? Yeah. Oh, I'm just walking. Oh, no worries. Okay, yeah. Thank you. You have doubts, you follow the arrows. Yeah, see? One way. Yeah, the panels, you need to count. Because now we are, I think, 5, 6. You keep counting. Oh, okay. Yeah. Okay, thank you. No worries. मैं अभी कुछ रास्ता भूल गया था यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ लोगों से कंफर्म किया मैंने। या सॉरी, आई वांट टू गो टू द एग्जिट, या आउटसाइड, बिकॉज़ हियर इज 5, 6, 7, सो यू नीड टू गो टू 5, 4, 3, 1, सो कैन गो आउट। ओके, थैंक यू। नो वरीज। तो भाई लोग, कुछ रास्ता भूल गया था मैं यहाँ पे, तो उन लोगों से कंफर्म किया, क्योंकि काफ़ी अंदर आ चुका हूँ मैं यहाँ पे अभी। और भाई मुझे तो इतना चलना पसंद भी नहीं है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और आई एम स्वेटिंग अ लॉट एक्चुअली। सो तो अभी मुझे बाहर जाना है, फिर आप लोगों को मैं पार्क दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए पहले मुझे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने, तो मिलता हूँ मैं आपको पार्क में वापस। तो आपको वो पार्क दिखाऊंगा, वहाँ पे आज एक्चुअली 31 अगस्त मलेशिया का इंडिपेंडेंस डे होता है, तो उसकी परेड्स वगैरह चल रही हैं। तो अगर उन्होंने अलाउ किया तो मैं आपको वो भी चीज़ भी दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए मैं पहले बाहर निकलूँ यहाँ से, आपको पार्क का मैं व्यू दिखाऊँगा नीचे। तो ट्रायल से मैं बाहर आ गया हूँ। अब हम जो पार्क के बारे में मैंने आपको बताया था, तो हमें वो पार्क बताऊंगा आपको। काफ़ी बढ़िया पार्क है एक्चुअली, परेड्स वगैरह चल रही हैं अभी वहाँ पे। तो चलते हैं पार्क में अब। पार्क में ये कुछ लगता है यहाँ का कुछ ऐतिहासिक पार्क है, काफ़ी कुछ लिखा हुआ दिखाता हूँ आप लोगों को चल के अभी मैं।
ये यो यहाँ का पिलर है यहाँ पे। शायद ये सभी यहाँ पे जो ये हैं, ये यहाँ के आर्मी के कुछ आई थिंक उन्हीं के कुछ नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। आई थिंक आर्मी के सोल्जर्स के नाम है यहाँ पे लिखे हुए, और 1914 टू 1918 का कुछ लिखा हुआ है। आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज दिस, बट हाँ शायद काफ़ी गर्मी हो चुकी है। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, बेस्ट थिंग है इस चीज़ की, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ पैसा नहीं देना, कोई कुछ नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों की हाइकिंग भी हो जाएगी और अच्छे वाला एक किस्म की पिकनिक भी हो जाएगी। ये कुछ लिखा हुआ नेशनल मोनोमेंट्स, तो मोनोमेंट्स जो हैं वो अंदर हैं, तो वहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। कोविड के करके यहाँ पे कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं है, वरना सैटरडे संडे को तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग वगैरह होते हैं, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी आते हैं यहाँ पे। लेकिन अभी टूरिस्ट तो बंद है यहाँ मलेशिया में, तो ये कुछ ऐसा है भाई यहाँ पे। आई थिंक जो मोनूमेंट्स के बारे में बाहर लिखा हुआ था वो ये रही, आगे चल के दिखाता हूँ अभी। ये फाउंटेन है, बहुत बढ़िया जगह वैसे, ब्यूटीफुल। काफी सारे लोग यहाँ पे आते हैं फोटोग्राफी कर लिए। हाँ तो ये कुछ आई थिंक वॉर सोल्जर्स के मोनूमेंट्स हैं, वॉर सोल्जर्स के मोनूमेंट्स हैं ये। कुछ लिखा भी हुआ है यहाँ पे, हाँ ये फ्रीडम फाइटर्स के ही कुछ बनाया हुआ मोनूमेंट्स जो कह रहा बताया था बाहर, ये रहे वो। यहाँ पे कुछ देर पहले यहाँ पे प्रेस वगैरह हो रही थी, लेकिन शायद अब बंद हो चुकी है प्रेयर। यहाँ पे आर्मी के कुछ सोल्जर्स कुछ प्रेयर वगैरह कर रहे थे। तो ये कुछ ऐसा पार्क है, बहुत बढ़िया। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं।